हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और जैसे C6H5 थ्राइस पी। तो बच्चे सबसे पहले इसका नेम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये थ्री टाइम्स है तो इसका नेम आएगा ट्रिस, उसके बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट में, उसके बाद RH रोडियम होता है रोडियम, उसके बाद रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा क्योंकि एक्स प्लस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे प्लस वन आ गया। उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद 27 कंपाउंड है, देखो SCN बच्चे, ये एक बाईडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड SCN हो कभी भी तो इसका नेम, तो इसका जो डोनर होता है वो सल्फर होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, और अगर NCS दे रखा हो आपको तो इसका डोनर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, और ये दोनों ही एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसका नेम होता है थायोसायनेटो, इसका नेम होता है आइसोथायोसायनेटो, ठीक है। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका जो डोनर है वो उसका फर्क है, यहाँ पे सल्फर है डोनर, यहाँ पे नाइट्रोजन है डोनर। तो यहाँ पे देखिए, अगर कभी भी SCN दे रखा हो तो हमेशा सल्फर डोनर होता है, और अगर NCS दे रखा हो तो नाइट्रोजन डोनर। तो इसका नेम आएगा, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और एम्बीडेंट भी इसको बोला जाता है, तो टेट्रा थायोसायनेटो निकलेट, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर टू, उसके बाद आयन, ठीक है। यहाँ पे निकलेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसके ऊपर सारे के ऊपर माइनस टू चार्ज है, ठीक है। तो ये अनायनी कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए यहाँ पे टू आया, आयन आया। अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो तो वहाँ पे पीछे हमेशा आयन लिखा जाता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड आता है 28, इसका नेम आएगा, देखो NCS है इसमें तो आइसो लग जाएगा, ठीक है। टेट्रा आइसो, ये ना पहले गलती से डल गया, आइसो है, आइसो थायो सायानेटो निकलेट टू आयन, ठीक है सेम। उसके बाद बच्चे ये OCN और NCO, ये भी दोनों एक दूसरे के एम्बिडेंट होते हैं, इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है पर इनके डोनर का फर्क होता है। देखो अगर कभी भी OCN दे रखा हो तो डोनर होता है ऑक्सीजन, अगर NCO दे रखा हो तो डोनर होता है नाइट्रोजन। जब भी OCN में ऑक्सीजन डोनर होता है तो इसका नेम होता है सायानेटो, अगर NCO होता है तो आइसो सायानेटो। तो यहाँ पे इसका नेम आ गया टेट्रा सायानेटो क्यूप्रेट। यहाँ पे क्यूप्रेट क्यों आया, क्योंकि ये अनायनी कॉम्प्लेक्स है और कॉपर का जो पुराना नेम है, ग्रीक वर्ड है, वो है क्यूप्रम, तो क्यूप्रम से क्यूप्रेट आ गया। उसके बाद टू, ऑक्सीडेशन नंबर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, आयन, आयन क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज दे रखा है। इसके बाद बेटा ये वाला कंपाउंड आ गया, देखो टेट्रा आइसोसायनेटो आएगा, NCO है ना, तो टेट्रा आइसोसायनेटो क्यूप्रेट टू आयन, बिल्कुल सेम है। इसके बाद इस कंपाउंड के ऊपर आते हैं तो देखो यहाँ पे Fe है H2O twice, SO4 twice, CO3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको वाटर दे रखा है एक्वा और सल्फेटो, तो इसका नेम पहले आएगा, तो ये आएगा डाई एक्वा डाई सल्फेटो, ठीक है। उसके बाद Fe का नेम आएगा आयरन, यहाँ पे आयरन क्यों लिखा, क्योंकि ये कटाइनी कॉम्प्लेक्स में है तो इसका नेम नॉर्मल नेम आएगा, तो आयरन। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर सिक्स, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्स ले लिया, यहाँ पे जीरो हो गया, ये माइनस फोर हो गया और ये माइनस टू, तो माइनस सिक्स हो गया, तो एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू सिक्स। उसके बाद कार्बोनेट, CO3 का नेम होता है कार्बोनेट, अगर CO3 ब्रैकेट के बाहर होता है तो इसका नेम कार्बोनेट लिखा जाएगा, अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता बड़ी ब्रैकेट के या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तो इसको कार्बोनेटो लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे है नेक्स्ट कंपाउंड में, तो ये कार्बोनेटो सल्फेटो और ई, तो कार्बोनेटो का सी पहले आता है तो इसका नेम आएगा कार्बोनेटो, फिर इथेन 1,2-diamine, फिर सल्फेटो, उसके बाद आयरन का नेम, इसका नेम क्या लिखा जाएगा, फेरेट, क्यों लिखा गया, क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद बच्चे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया टू, उसके बाद आयन, ठीक है। नेक्स्ट हेक्सा अमीन कोबाल्ट, ठीक, थ्री क्लोराइड, ये क्यों आया थ्री, क्योंकि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, इसके ऊपर होता है जीरो,
इसके ऊपर होता है माइनस वन। तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल प्लस थ्री, तो एक्स थ्री थ्री। और क्लोराइड, क्लोराइड क्यों लिखा, क्योंकि ट्राइक्लोराइड क्यों लिखा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और जो भी आयनिक बॉन्ड बनाता है उसका ट्राई डाइड नहीं लिखा जाता, उसका सिंपल नेम लिखा जाता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कंपाउंड आ गया हमारे पास में K4FeCN6। तो K4 का पोटाशियम, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, 6 का हेक्सा साइनिडो फेरेट 2, ठीक है। उसके बाद हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 ऑक्सीडेशन नंबर आयन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। उसके बाद टेट्रा, ये CO दे रखा है, मैंने आपको बोला था CO में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, तो कभी भी आपको मेटल दे रखा हो जो उसके साथ CO लगा होगा वो हमेशा कार्बोनिल होगा, और अगर कभी भी ये स्क्वायर ब्रैकेट एंटर करते यहाँ पे आपको CO मिल जाए वो हमेशा कोबाल्ट होगा, तो इस चीज़ को नहीं भूलना। तो ये आ गया टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है और 0। और निकल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे निकल नॉर्मल नेम आएगा। तो बच्चों ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं, आपने करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला कंपाउंड आ गया, इसको देखो आप कैसे करेंगे। ये पेंटा एमीन, देखो ये एमीन है, ये एक्वा, इनमें से नाम इसका पहले आएगा, तो पेंटा एमीन फिर एक्वा कोबाल्ट, देखो आप ब्रैकेट स्टार्ट होते ही CO है ना, तो कोबाल्ट आ गया, ठीक है कोबाल्ट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, क्योंकि जो SO4 होता है बच्चे इसके ऊपर माइनस 2 होता है, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर भी 0, तो इसके ऊपर X होता है, तो X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 2, और बाद में आएगा सल्फेट, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो दो क्वेश्चन है ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि ये पहले हो चुके हैं डिस्कस। इसके बाद ये वाला आता है एमीन डाई एक्वा डाई नाइट्रिटो एन, डाई नाइट्रिटो एन, ठीक है बच्चे। ये जो NO2 होता है ना, NO2 और ONO, ये दोनों एक दूसरे के एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, ठीक है। NO2 में जो डोनर होता है वो N होता है और ONO में O होता है, तो इसका नेम होता है नाइट्रिटो एन, इसका नाइट्रिटो O, तो नाइट्रिटो एन कोबाल्ट 3 कैसे आया, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, एक्स इज़ इक्वल टू 3, और लास्ट पे क्लोराइड, और ये भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो बच्चे दैट इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉमन क्लेचर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।